हमारे साथ है अखिल हेमंत जी सर। तो सर आपका हमारे जन खबर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर जिस तरीके से हमने आए दिन हम देखते रहते हैं कि आप एक नया कार्यक्रम करते रहते हैं और साथ में आपने कल एक रैली भी निकाली, तो सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि आपने रैली क्यों निकाली? देखिए, कल जो है हमने रैली इसलिए निकाली है, जबलपुर से चेलापुर तक के हमारे जो है इस्लाम के प्रति, कुरान के प्रति, यदि कोई भी कंट्री या हिंदुस्तान में कोई गलत टिप्पणी करेगा या उनके साथ जो है छेड़छाड़ करेगा, तो हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो है कल जो है हमने रैली निकाली, क्योंकि स्वीडन में जो है एक नेता ने, राजनेता ने कुरान को जलाने का काम किया, और कुरान हमारे लिए ऐसा है कि जैसे आपके यहाँ गीता होगी ऐसे हमारे यहाँ कुरान है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों को हम मानते भी हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी ना करे। तो उन्होंने तो कुरान जलाने का जो है काम किया, बहुत गलत किया उन्होंने। जो तमाम दुनिया का जो है मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो समझदार लोग हैं उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो भी जो है नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके की कोई हरकत करे। तो कल जो है स्वीडन में जो कुरान को जलाने का जो है 21 तारीख में, जनवरी में जो है काम किया गया, उसके खिलाफ हमने एक रैली निकाली, जनाक्रोश रैली, जबलपुर से सेलापुरी तक, सेलापुरी से जबलपुर तक। उसमें हमने यही कहा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो है और ख़ासकर मुसलमान जो है हम दीनी इस्लाम पे जो है हमारे कानून भी हैं, और हमारे जो है इस्लाम पे हम चलते हैं, कुरान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने कल पुतला दहन किया उनका, स्वीडन सरकार के जो एक मंत्री है नेता, तो उसमें हमने यही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश के जो है और राष्ट्रपति देश के, और जो दूतावास है वहाँ का, जो दूतावास है हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग दूतावास होते हैं, तो वहाँ पे उनको एक जो है इनकी तरफ से भी एक बयान जारी होना चाहिए कि आप अगर ऐसी हरकत करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, एक चेतावनी देनी चाहिए इन लोगों को भी जो है, क्योंकि देश में जो है देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के कोई भी हो, राष्ट्रपति जो है सबका राष्ट्रपति होता है। तो किसी एक समुदाय के प्रति अगर कोई ऐसी आलोचना करता है, लेकिन इनकी रोटियां चलती हैं धर्म से, क्या चल रहा है हिंदुस्तान में राजनीति में, अब हिंदुस्तान हो, अब पहले हिंदुस्तान था, अब ये कंट्रियां में भी यही कर रही कि ये जो है ऐसे मुद्दों को इसलिए सामने लाती है ताकि जो है इसका एक तो जो है पॉपुलर होने के लिए, जिनको कोई जानता नहीं जो है वो अगर वो इस तरह के काम करेगा जैसे नूपुर शर्मा ने किया था, मालूम है आपको किस्सा, जो है क्या नाम उनका, नूपुर शर्मा, उन्होंने उन्होंने किया था, तो उन्होंने जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर टिप्पणी की थी, तो वो फेमस हो गई थी पूरी दुनिया में। कुछ लोग फेमस होने के लिए करते हैं काम, कुछ लोग जो है राजनीतिक जो है लोगों को अपने करने के लिए कि जी मैं इस कौम से खिलाफ हूँ, मेरे साथ आ जाओ। अभी एक फर्जी बाबा है, वो जो है बागेश्वर में, उसने कहा कि हिंदू भाई जो है सारे एक हो जाओ, मैं आपको जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बात चल रही है और दूसरे धर्म को नीचे दिखाया जा रहा है। हाँ, बस यही है अपने आप को राजनीति, आजकल राजनीति यही हो रही है, धर्म जाति के नाम पर राजनीति है। हमारे देश में क्या हो रहा है, जब से मोदी सरकार आई है और तब से क्या हमारे देश में चल रहा है, जाति धर्म की राजनीति। कभी मंदिर की बात ले लो, कभी जो है ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर ले लो कि जी वहां पे जो मंदिर था, अरे 364 साल बाद तुम्हें याद आ रहा है कि वहां पे मंदिर था, 364 साल पहले आप वहां थे। जो है ऐसी सी जो बयानबाजी, कभी कहे कुतुब मीनार में जो है, कभी कहेंगे जो है आप क्या नाम है ताजमहल के लिए कि वहां भी मंदिर था। तो ये लोग जो है देश में दंगे कराने के लिए जो है इस तरह के काम कर रहे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम, उससे इनकी राजनीति मजबूत हो। और वो ऐसा जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग समझदार हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा चाहेंगे भी नहीं। जो है मैं आपको बता दूं कि जितने भी अब ये वाकई हुए, बीच में मैटर हुए, इसमें कहीं ना कहीं जब आप देखोगे जो है कि बीजेपी का जो है अहम रोल रहा है, बीजेपी के लोगों का। अभी हमारे यहाँ इतना बड़ा मामला हुआ पिछले 3 महीने पहले, एक जो है वो भंडारी, अंकिता भंडारी का सुना होगा आपने, उसमें जो है बीजेपी के लोग शामिल हैं, मतलब उसका मर्डर कर दिया लड़की का, उसको फेंक दिया मार के जो है, और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई।
बाद में पता चला जो बीजेपी का पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है विनोद आर्य का, तो ये सब बीजेपी के लोग जो है जो एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों का अपमान करते हैं, ऐसे लोग हैं जो है। तो क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए, सरकार जो है ये बीजेपी की सरकार चाहे उत्तर आपके उत्तर प्रदेश में हो केंद्र में हो या उत्तराखंड में हो, ये लोग जो है धर्म जाति राजनीति चलते हैं चाल चलते हैं। जो अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है सीधा मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, योगी सरकार में जो है मुसलमानों की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही, मुसलमानों के जमीनों को कब्जा किया जा रहा, मुसलमानों की जो है जो भी मतलब छोटा मोटा मामले मुसलमानों को लेके क्या उसमें जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमान ही हैं जो क्रिमिनल हैं चाल चलते हैं। जो अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है सीधा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, योगी सरकार में जो है मुसलमानों की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही, मुसलमानों के जमीनों को कब्जा किया जा रहा, मुसलमानों की जो है जो भी मतलब छोटा मोटा मामले मुसलमानों को लेके क्या उसमें जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमान ही हैं जो क्रिमिनल हैं। अगर कोर्ट ने किसी के साथ कोई हादसा हो गया कोर्ट है उसके लिए, कानून है उसके लिए, अगर कोई किसी का कोई केस भी हो गया तो उसके लिए कानून है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप सीधा उसका घर तोड़ रहे, एक आदमी सजा भुगत रहा जेल में है उस पर धाराएं लग गई जो कानून हमारे देश का है वो संविधान के हिसाब से उसको जो है भेज दिया, आप उसका घर तोड़ रहे जाके, तो ये कौन सा कानून है नियम है, तो जबरदस्ती गुंडागर्दी है जो है और ये गुंडागर्दी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है बिल्कुल। सर आईना आए दिन एक घटना घटती रहती है, मैं आपसे एक उसी घटने के बारे में बात करूंगी कि अगर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है क्या उसका घर तोड़ना सही है, मतलब क्या उसके घर पे बुलडोजर चलाना सही है? नहीं देखिए ऐसा है, फिर हमारे देश का संविधान कहाँ रहेगा, हमारे देश का कानून कहाँ रहेगा? अगर आप जो है सरकार उसका जो है घर तोड़ देगी तो उसके बच्चों को जो है ना उसके बच्चों को वीरान करने वाली बात है, उसके परिवार को जो है बेघर करने वाली बात है। अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे तो उसके बच्चे तो पहले ही दिल में ही रखेंगे कि हमारा घर तोड़ दिया, उसमें और ज्यादा जो है उनके अंदर ऐसी भावना पैदा होगी जिससे वो क्राइम करेंगे। जो है कानून जो है देश का जो है संविधान है देश का कानून है, कानून के तहत धारा बनाई गई है कि आपको कौन सी धारा में आपने कौन सा अपराध किया उसके लिए कौन सी धारा लगेगी। तो जब वो जेल चला गया मुकदमा कायम हो गया फिर उसके बाद घर तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता जो है, तो ये तो गलत बात है ना। जो अगर ऐसे हो रहा है तो मैं इसका जो है पक्षधार नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। सर आप जैसे कि समाज सेवा की बात करते हो, सामाजिक जितनी भी जमीन होती है आप उनको एक बोलते हो कि आप उनको हक दिलाओगे जिनको जरूरत है, तो सर आप इस संदर्भ में कुछ कहोगे? देखिए अभी मैंने एक अभियान चला रखा है और मैंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी, डीएम से भी शिकायत की थी देहरादून जो है, यहाँ सेंट्रल अपटाउन हमारा ये ग्राम पंचायत थी पहले, अब ये नगर पंचायत है। यहाँ पे जो है 2001 से और 2016 तक, 2001 से 2016 तक ग्राम समाज की जमीनों को के तबादले किए गए और ग्राम समाज की जमीनों के तबादले करके भूमाफियाओं को जमीन दे दी बड़ी, ये समझ लो कि अच्छा खासा जो है मतलब जो है एक व्यापार चला। तो उसमें जो है हम ये कहेंगे कि आपने ग्राम समाज का प्रस्ताव बनाया कि ग्राम समाज की जमीन तो आपने दे दी, लेकिन जो ग्राम समाज की जमीन जो है कि बदले में जमीन आई है वो कागजों में तो आप शो कर रहे हैं ट्रांसफर मेरे फर्दा वगैरह है, लेकिन मौके पे कहीं भी एक भी बीघा जमीन ग्राम समाज को नहीं दी गई। तो इसमें पूरा तहसील प्रशासन 2000 जो है ये एक से 2015 तक का 16 तक का मैटर है टाउन में, उनका बड़ा खेल है, करोड़ों की जमीन है जिसमें धांधलीबाजी हो रखी, कोई छोटा मैटर नहीं है, 100 बीघा से ज्यादा लैंड है जो ग्राम समाज की जो है एक्सचेंज की गई, एक्सचेंज कर दी लेकिन एक्सचेंज के बदले जमीन आई वो हाई नहीं कहीं, मजे की बात देखो आप जो है, तो वो जमीन कहाँ गई, उसको सारे उन्हीं लोगों के पास है उनका कब्जा भी जिन्होंने एक्सचेंज करी, ग्राम समाज के पास है ही नहीं जो है। और रही मेरी बात, तो मैं समाज के लिए अगर कोई गलत करेगा, कोई किसी को दबाने का काम करेगा, किसी दबे कुचले व्यक्ति को जो है किसी दलित को कोई जो है पैसे वाला है भूमाफिया दबाने का काम करेगा तो मैं उसके विरोध में खड़ा मिलूंगा और मैं ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा लड़ी लड़ता हूँ। अब कुछ लोग हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, जो खाली पैसे के लिए आते हैं कार्यक्रम, अगर पैसे नहीं मिले तो उसके बाद वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ झोला छाप डॉक्टर बहुत हैं, उनकी खैर नहीं है, जितने झोला छाप डॉक्टर हैं सबको जो है जितने भी यहाँ पूरे पहाड़े पर छोड़ में झोला छाप हैं सबकी ये जो है मैं अब इंक्वायरी करूँगा कि उनके पास जो है कि उनके पास कोई कागज पत्र है, कोई लाइसेंस है उनके पास जो है, कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको, उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, क्या है क्या नहीं, उन्होंने जो है डॉक्टरी की हुई है। अगर ऐसे लोग गरीब व्यक्ति जाएगा ऐसे लोगों के पास, पढ़ा लिखा तो जाएगा नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर दवाई लेने जाएंगे, किसी के साथ कोई गलत दवाई दी जाती है किसी को या किसी कोई मर जाता है
वो हो रहा है यहाँ पे क्षेत्र में ऐसा, या कोई बीमार जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जो है? उसके जिम्मेदारी झोला छाप डॉक्टर होंगे ना जो है, जो अपने आप को डॉक्टर कह रहे और जो है लोगों को लूटने का काम कर रहे, इनकी अब खैर नहीं है। इनका मैं बिस्तर बोरिया बहुत जल्दी बनवाने वाला हूँ। सर आप लास्ट मैसेज हमारे यूथ को क्या देंगे? यूथ को, आने वाली जो पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी से मैं यही कहूंगा कि आज का समय बहुत नाजुक है और हमारी जो नई जनरेशन है वो नशे में लिप्त होती जा रही है बहुत ज्यादा। आप देखो हर जगह, चाहे वो जो है आपका जो है गांव हो या आपका शहर हो या आपका जो है या आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह है या आपकी जो है हॉस्टल वगैरह है, हर जगह जो है नशे का ज्यादा जो है मामला चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा सबको, युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, अपने प्रदेश की जो है कि वो नशे से जो है दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को जो है नशे की आदत पड़ गई तो पूरा परिवार उसका खराब हो गया समझ लीजिए, और नई जनरेशन खत्म होती जा रही नशे के। उसमें मैं यही संदेश देना चाहता हूँ लास्ट में कि नशे से बचें और अपने परिवार की जो है सहयोग करें, अपने परिवार जो माँ बाप आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इतना पैसा लगाने का काम कर रहे हैं आपके पीछे, तो उनका जो है नाम रोशन करने का आप काम करें, ऐसी चीजों से आप बचें। सर आपका हमारे जनखबर न्यूज में अपना समय यानी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।